हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑन विज्ञान यू आर हियर विद हरदीप सिंह एंड टुडेस टॉपिक इज़ रिगार्डिंग द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर्स होता क्या है कि जब हमें न्यूमेरिकल निकालने हैं तो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए हाइट ऑफ इमेज चाहिए डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू मिरर चाहिए दैट इज़ वी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू मिरर चाहिए दैट इज़ यू तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं दिस ऑल डिपेंड ऑन द साइन कन्वेंशन एंड दीज साइन कन्वेंशन आर नॉन एज न्यू कार्टिशियन साइन कन्वेंशन तो लेट स्टार्ट विद द पॉजिटिव एटीट्यूड टू लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो सो डियर स्टूडेंट्स हमने शुरू किया है मिरर है और हम क्या देख रहे हैं कि मिरर के सेंटर में से एक लाइन क्रॉस की है ये जो लाइन क्रॉस की है इसके जहाँ से इसने मिरर को कट किया है वो पॉइंट क्या होता है दैट इज नॉन एज पोल और ये जो पोल है यहाँ से जो निकलने वाली लाइन है इसको हम क्या कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस हम जानते हैं और यही हमारा जो प्रिंसिपल एक्सेस है यहाँ पे एक्स एक्सिस बन जाता है या हम क्या बोल सकते हैं एक्स डैश एक्स कोऑर्डिनेट बन जाता है जो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स साइड है वो तो पोल के सदा राइट हैंड साइड पर रहती है और जो एक्स डैश कोऑर्डिनेट है वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड पर रहता है तो यहाँ से जो हमें पता लगा कि हमने इस एक्स एक्सिस और तो पे किस तरह से ऑब्जेक्ट को रखना है या किस तरह से उसको मैयर करना है उसकी बात करते हैं तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है किसके ऊपर अपने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस किया जब भी आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो मैंने क्या कहा कि हमने ऑब्जेक्ट को किस तरफ़ एक्स डैश यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे और क्यों हम ये मान के चलते हैं दैट द लाइट फॉल्स left द लेफ्ट हैंड साइड तो थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट ऑफ मिरर दिस implies दैट लाइट फॉल्स from लेफ्ट हैंड साइड नाउ जब भी हम कोई भी चीज को मयर करेंगे किसी भी डिस्टेंस को मैयर करेंगे तो वह कहाँ से करेंगे पोल से मयर करेंगे दैट इज द नॉन एज ओरिजन हियर तो उसको हम यहां क्या बोलेंगे ओरिजन कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन या पोल टुवार्ड्स आ रइट हैंड साइड राइट कौन सी है दैट इज जो आपकी राइट right की बात कर रहा हूँ उसको कैसे लेना है ऑलवेज पॉजिटिव लेना है लेकिन लेफ्ट वाली को क्या लेना है आपने नेगेटिव तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है इसलिए ये क्या हो गया नेगेटिव है और इसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ चीज रख रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है एक्स साइड रखा है ठीक है पॉजिटिव कोर्डिनेटर की साइड रखा है तो हमने उस डिस्टेंस को कैसे मेयर करना है सदा उसको पॉजिटिव मापना है तो ये दूरी होगी क्लियर हो गया कि कहाँ से पोल से लेके एक्स डैश की तरफ को कोई भी चीज़ मापेंगे तो वो नेगेटिव में मापनी है जितनी वैल्यू आएगी उसके आगे नेगेटिव लगेगा और ओ से लेके एक्स की तरफ को यानी राइट हैंड साइड को जितनी जो भी डिस्टेंस मापेंगे वो सदा पॉजिटिव में लिखना है ऑलवेज पहला पॉइंट तो ये हो गया और जब भी हम ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक के डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो यू रहेगा तो उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी तरह से इमेज से लेके मिरर तक के डिस्टेंस को वी से लिखते हैं तो ये क्लियर नौ no. एक तो हमने एक्स एक्सिस देखा यहाँ वाई और वाई डैश एक्सिस की बात करेंगे वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो जो वाई कोऑर्डिनेट है हमारा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है जैसा कि हम जानते ही हैं ग्राफ में हमने देखा हुआ अब वाई कोऑर्डिनेट में जब बात करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें ओरिजन से ऊपर आती हैं कुछ चीज़ें ओरिजन से नीचे जाती हैं तो ऐसी चीज़ें जो ओरिजन से अप साइड हैं ऊपर की तरफ को हैं जो वाई की साइड हैं उनको सदा कैसे लेना दे आर टेकन एज पॉजिटिव तो उनकी हाइट कैसे मापी जाती है पॉजिटिव में ही मापनी है क्लियर तो ऑब्जेक्ट हम सदा ऊपर को रखते हैं इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी बट नंबर ऑफ टाइम हमारी जो इमेज है वो क्या होती है इन्वर्टेड होती है तो जब हमारी इमेज इन्वर्टेड आ गई तो इट इज़ टर्ड्स द वाई डैश कोऑर्डिनेट तो किधर को आ गई ये वाई डैश कोऑर्डिनेट की तरफ चली गई तो हमें वाई एक्सिस तब ये डेप्थ की जगह क्या हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तब जो इसकी हाइट है वो कैसे लेनी है नेगेटिव में मापनी है सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट की हाइट सदा ही पॉजिटिव रहेगी लेकिन इमेज कभी पॉजिटिव हो सकती है जब वो क्या हो जाए इरेक्ट अगर इमेज क्या है इन्वर्टेड है तो उसकी जितनी भी लेंथ रहेगी वो आपने किस में मापनी है नेगेटिव में मापनी है दीज आर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और इसी पे हम आगे नवेरिकल करेंगे तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे बार बार देखिए जितनी बार चाहे आपको समझ आएगा तो थैंक्स फॉर इन्ज्वाइंग पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए